तुरल में अब पुराने जमाने के दर्शन हो पाएंगे। ये दर्शन बायोस्कोप के माध्यम से हो पाएंगे। मजे की बात तो ये है कि इसके लिए आपको पैसे भी खर्चने नहीं पड़ेंगे। लेकिन 1950 में इस बायोस्कोप के लिए लंबी कतारें लगा करती थी। देश में ट्रांसपोर्ट के साधन बेहद कम होते थे, तब लोग देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का दौरा नहीं कर पाते थे, तो उन्हें बायोस्कोप के माध्यम से ही उन स्थलों के दर्शन होते थे। आज की पीढ़ी बायोस्कोप से इतना परिचित नहीं होगी। इसके लिए कई दशकों पुरानी मनोरंजन के लिए उपयोग होने वाले बायोस्कोप को सोलन के निजी होटल व्यवसायी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल में ये बायोस्कोप स्थापित किया है। होटल व्यवसायी सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि 1950 की मेला फिल्म में दिखने वाला बायोस्कोप पर्यटकों को ज्ञान वर्धन के लिए होटल में स्थापित किया गया है। इस बायोस्कोप के माध्यम से भारतवर्ष के विभिन्न पर्यटक स्थलों को दिखाया जा रहा है। पुराने समय में जब FM या रेडियो नहीं होते थे, तब ग्रामोफोन कैसा होता था, देश के नागरिक कैसे गाने सुना करते थे, वह भी यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी पीढ़ी की याद ताजा करने और नई पीढ़ी को बायोस्कोप और टेलीस्कोप की जानकारी देने के उद्देश्य से इसे यहाँ स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि होटल में आने वाले लोग इसे देखकर बेहद अचंभित होते हैं और बेहद खुश होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक बायोस्कोप मेरे पीछे पड़ा है। ये बायोस्कोप कम एक अपना ऐसा चलचित्र है जो 1950s के टाइम में चलती फिरती पिक्चर पब्लिक को दिखाने के लिए हमारे प्रदेश हिंदुस्तान में ये सबको दिखाया जाता था। इसके ऊपर एक ग्रामोफोन है, जैसे पुराने समय में हमारे रिकॉर्ड प्लेयर्स सुने जाते थे, जैसे HMV के रिकॉर्ड्स आते थे, उनको हम ग्रामोफोन के द्वारा सुनते थे। इसमें कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें एक चाबी है जिसको हम चार्ज करते हैं, फिर इसकी मोटर चार्ज होने के बाद इसको हम पब्लिक इस पर रिकॉर्ड रख के इसका सुई रखने के बाद हम इसमें गाना सुन सकते हैं। देखिए, समय के अनुसार बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी भी है। जैसे पुराने समय में इतने संसाधन नहीं थे, लोग फिल्म तो देखना चाहते थे बट पिक्चर हॉल नहीं थे। पर ये चलता फिरता एक ऐसा पिक्चर हॉल था कि जिसको लोग सिर पे उठा करके गांव-गांव गली गली में जाते थे और वहाँ लोगों को इसमें चलचित्र दिखाया करते थे। तो इसमें जैसे कि आजकल क्या ये काफ़ी रेयर है या दिखना बंद हो गए हैं लोग, या तो रखना पसंद नहीं करते या जिनके पास था उन्होंने पहले डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपने इसको कैसे संजो कर रखा? देखिए, ऐसा है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी हेरिटेज चीज़ों से लगाव रहा है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो हमारी पुरानी विरासत है उसको संजो के रखें और अपने जो हमारे आने वाली जनरेशन पीढ़ी है उसको ये चीज़ें बताएं कि हमारे बुजुर्ग ऐसे इन चीज़ों को देख के अपना मनोरंजन किया करते थे। और जैसे ये देख रहे हैं, ये बहुत पुराना है, ये अराउंड लगभग 70 साल पुराना चलचित्र है जिसके अंदर हम अभी आपको हम लाइव दिखाएंगे। ये वर्किंग कंडीशन में है जिसको मैंने संभाल के बड़े रखा हुआ है। तो इसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मेंटेन कैसे किया जाता है? मेंटेन इसमें ऐसा है कि इसको हमने आज दिन तक अभी ज़्यादा इसको प्ले नहीं किया, इसको बड़े सॉफ्ट हैंड से हम प्ले करते हैं ताकि ये चीज़ ऐसे ही विरासत बची रहे। तो अब सोलन वासियों के लिए या पर्यटकों के लिए आपने इसको खोल दिया है? बिल्कुल, अभी हमने लॉकडाउन के बाद एक कोशिश की है कि लोग आएँ इस पुरानी चीज़ों को देख करके भी इनका भी एक मनोरंजन के अनुसार मज़ा ले सकें।